योर फर्स्ट रिएक्शन, एम्स कह रहा है क्योंकि अब ये सेंट्रल एजेंसी के अंदर है, एम्स दोबारा से विश्रा रिपोर्ट की जांच करेगा और उसे शक है जहर देने का। मानवी की रिपोर्ट, ऑटोप्सी की रिपोर्ट। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले भी बहुत बार हमने दावा किया कि ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक नहीं है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जैसे टाइम ऑफ डेथ मिसिंग था, जो सुशांत ने कंज्यूम किया था वो मिसिंग था, कोकोनट वाटर मिसिंग था। अब एक नया खुलासा हो गया है कि उसको जहर भी दिया है, तो मतलब अगर तीन डॉक्टर्स गए हैं दिल्ली से, एम्स के तीन डॉक्टर गए हैं कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वो पूछताछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक नया एंगल आ रहा है और एक नया मोड़ आ गया है। और मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब सुशांत, हाँ जी, शक, जब सुशांत के बहुत बड़ा शक है, और जब सुशांत की बॉडी को हैंग करा है तो डॉक्टर्स का ये दावा है, एम्स के डॉक्टर का, कि जब आप हैंग करते हैं तो गर्दन लंबी हो जाती है, गर्दन पे जो निशान है वो डिफरेंट टाइप का है, निशान का मेंशन नहीं है ऑटोप्सी रिपोर्ट पे, और जब आप सुसाइड करते हैं तो उसके निशान डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जब आपका मर्डर होता है तो उसके निशान डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बहुत हद तक उनको ये है कि सुशांत को ड्रग्स दिया गया या सुशांत को स्लो पॉइजनिंग करिए, तो उसकी डेथ कहीं ना कहीं पॉइजन की वजह से हुई है। ओके, तो इस वजह से ये गए हैं उसको वेरीफाई। जी जी, बड़ा खुलासा है ये। 15 मिनट जी 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 जी, मैं सीधा रुख करता हूँ संजय गुप्ता का। संजय गुप्ता भी कुछ, रवि कुछ कहना चाह रहे हैं इधर से। संजय गुप्ता भी कुछ, रवि जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूँ जो ये मैडम कह रही है, पहले ये पक्का कर ले, पहले कह रही है कि गला दबा के मारा, पक्का कर लिया है, पूरा पक्का करा है, पक्का करके पढ़ के आई हूँ, बिना पढ़ के नहीं आई हूँ, ये बड़ी क्लियर है। पोस्टमार्टम पे डायग्नोस डेथ मेंशन नहीं था, ये भी आपको प्रॉब्लम है। अगर सुसाइड होता है उसके गले के निशान डिफरेंट होते हैं, और अगर मर्डर होता है तो उसके गले के निशान डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात, उसने कंज्यूम किया वो भी मेंशन नहीं था ऑटोप्सी पे, और उसने बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं की। अगर तो ये अगर लग रहा है, अगर लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तभी तो एम्स के डॉक्टर गए हैं वेरीफाई करने। अगर नहीं लग रहा होता तो एम्स के डॉक्टर वेरीफाई करने नहीं जाते। पहले तुम फैक्ट चेक कर लो, चेक कर लो आप सारे फैक्ट। डॉक्टर्स को लग रहा है तभी वेरीफाई कर रहे हैं, और एम्स के डॉक्टर ने ये भी पूछा है इनसे बार बार, ये भी इंक्वायरी करिए कि आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड और मर्डर नहीं है। लेकिन मैं लेके आना चाहता हूँ संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता अंकित आचार्य मुझे ज्वाइन कर गए हैं। एक सेकंड, मानवी, मैं संजय गुप्ता को लेके आता हूं। संजय गुप्ता, एम्स के डॉक्टर भी शक जता रहे हैं कि जहर दिया गया था, बिसरा रिपोर्ट की दोबारा जांच हो रही है, कूपर हॉस्पिटल में बड़े सवाल है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एम्स के डॉक्टर ने अभी 10 दिन का समय मांगा, धमकी दे दी, अभी 10 दिन के अंदर तो क्या कुछ नहीं कह दिया। नहीं, आप अब एम्स को क्या कहेंगे? कौन सी गाली एम्स के लिए है? कौन सी गाली एम्स के लिए? दीजिए गालियां, दीजिए, आप लोग गाली देने के लिए मशहूर है, गाली दीजिए, देश के एक और संस्थान को गाली दीजिए, दीजिए गाली। किसको गाली दें? मतलब क्या एम्स को दीजिए? आज आप किसको चूज करते हैं? कंगना रनौत को, मानवी तरेजा को, एम्स को, किसको गाली देंगे? प्राइम सस्पेक्ट है, उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट तो आने दीजिए, आप एम्स को रिपोर्ट तो आने दीजिए आप। एम्स के अभी तो एम्स ने कहा है कि 10 दिन लगेंगे हमें अपनी विसा की रिपोर्ट देने में। एक सेकंड, रिपोर्ट नहीं, जब जो कूपर हॉस्पिटल की, मानवी एक सेकंड, जो कूपर हॉस्पिटल की संजय जी रिपोर्ट है, जब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एक बड़ा संस्थान शक कर रहा है कि जहर, नहीं, आपको सच दबाने में क्यों इतना इंटरेस्ट है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। सत्य को क्यों परेशान करना चाह रहे हैं? सच को किस लिए दबाया जाएगा? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में है, सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में है, ईडी केंद्र सरकार के अंडर में है, महाराष्ट्र सरकार का भी इस टाइम इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है।